हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, यदि आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट या आईटीआई के स्टूडेंट है या बीए के स्टूडेंट है, यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, अभी तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है, आप जानना चाहते हैं कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, तो आप इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कहाँ से आप चेक कर पाएंगे सारे रिजेक्ट लिस्ट। तो रिजेक्ट लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, यदि आपका नाम होगा तो उसमें ज़रूर दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे आपको चेक करना है। बिल्कुल आसान विधि से, बिल्कुल आप अपने एक स्मार्टफोन से इसको चेक कर पाएंगे खुद ही। तो चलिए मैं लेके चलता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको स्कॉलरशिप का हर एक अपडेट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेंगे, उसमें आप क्या टाइप करेंगे, तो सबसे पहले उसमें आप टाइप करेंगे ekalyanvibhag.nic.in पर। जब आप क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी आपको मुख्यमंत्री से संबंधित, कोई भी स्कॉलरशिप से, कोई भी सुकन्या उद्यान योजना, कोई भी आपकी अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आप इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, इसके सामने आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको सीधे आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू महोत्सव योजना 2019 के लिए आवेदन करें। तो अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करें, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ खुलेगा, इस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिंक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रिजेक्ट लिस्ट, यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका रिजेक्ट लिस्ट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट भी अपना चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें आपको मांगेगा कि कौन से आप ज़िले से हैं, वहाँ पे आपको ज़िले यहाँ पर चूज करना होगा। और यहाँ पर यदि आप कुछ और भी जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी लिस्ट, तो यहाँ पर पूरी आप जानकारी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल रिजेक्टेड लिस्ट। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से है आप यहां पर देख सकते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहां पर दिया गया है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहां पर आप चूज कर लीजिए, ठीक है। और यहां पर आपको नीचे वाले कॉलम में आपको स्कूल का कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। कॉलेज का नाम लिख के और यहाँ पर व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी स्कूल के जितने भी फॉर्म आपके स्कूल के द्वारा फॉरवर्ड किए गए हैं, वो सभी आपको यहाँ पर एक क्रम वाइज दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाइएगा, देखिएगा अंत में कितना है आपका रजिस्ट्रेशन, उसके अनुसार आप क्रम से अपना चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था रिजेक्ट लिस्ट। यदि आपको इसमें लिस्ट नहीं है, नाम में नहीं है, तो हो सकता है आपका थोड़ा आने में प्रोसेस लगेगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी वीडियो, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से छोटी जानकारी दी। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की कोई भी नई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।